हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेटर्स प्रीलिम्स क्यूज सिक्योरिटी इश्यूज़। अभी तक 5 क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में उनको, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस देखेंगे प्रीलिम्स बेस्ड, जो सिक्योरिटी पे क्वेश्चंस बन सकते हैं अपने पास। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोगों को पहले यूट्यूब पे वीडियो पे डिटेल्ड आंसर्स मिलने से पहले आपको क्वेश्चंस जो है पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट केमिकल वेपन्स कन्वेंशन ऑफ 1993। नंबर वन, इट हैज़ बीन साइंड बाय ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स। नंबर टू, इट आउटलॉड प्रोडक्शन एज वेल एज स्टॉक पाइलिंग ऑफ केमिकल वेपन्स। नंबर थ्री, द कन्वेंशन इज एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ऑप्शन हैं आपके ए 1, 2, 3, बी 2, 3, सी 1, 2, डी 1 एंड 3। तो दोस्तों, इसको आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, आप इसमें थोड़े बहुत एलिमिनेशंस भी लगा सकते हो, और अगर आपको नॉलेज है तो क्वेश्चन बहुत इजी है। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है, इट हैज़ बीन साइंड बाय ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स, ठीक है। अगर आपको इस स्टेटमेंट के बारे में भी पता है ना, तो आप इसका आंसर ईजिली निकाल सकते हो, क्योंकि इस ट्रीटी को सारी यूएन मेंबर स्टेट्स ने नहीं रेटिफाई किया है। आपकी जो स्टेट कंट्रीज हैं, जैसे इसराइल, साउथ सूडान, नॉर्थ कोरिया, इन कंट्रीज़ ने इस ट्रीटी को जो है नहीं रेटिफाई किया है। तो ये जो आपकी पहली स्टेटमेंट है, ये गलत हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप अपने ऑप्शंस देखें, ए बी सी डी, इनमें से तीन ऑप्शंस में वन है, तो अगर आप वन को एलिमिनेट कर दें तो आपके पास बचता ही बी है, 2 एंड 3, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो उससे हमें पता चल गया कि भैया एलिमिनेशन से हमारे पास बचता ही बी है और 2 एंड 3 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम दूसरी स्टेटमेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। आउटलॉड प्रोडक्शन एज वेल एज स्टॉक पाइलिंग ऑफ केमिकल वेपन्स, यही इसका मेन एम था कि जो स्टॉक पाइलिंग हो रही है केमिकल वेपन्स की और प्रोडक्शन हो रही है, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और इस कन्वेंशन को जो एडमिनिस्ट्रेशन इसकी देखता है, वो देखता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसका हेडक्वार्टर्स आपका वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन वॉज इन न्यूज, वॉट डज इट मीन? ए, इट इज़ अ मिशन टू काउंटर कश्मीरी इंसर्जेंट ग्रुप्स। बी, इट एम्स टू रिटेलिएट टू पाकिस्तान अटैक विद अ सिग्निफिकेंट हार्म बिफोर एनी इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरफेयर्स। सी, इट इज़ टू काउंटर चाइनाज ओबॉर। डी, इट इज़ अ मैकेनिज्म टू काउंटर नक्सलिज्म। तो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन की अभी मिलिट्री ने बात की थी, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें आपका आंसर है बी, इट एम्स टू रिटेलिएट टू पाकिस्तान अटैक विद अ सिग्निफिकेंट हार्म बिफोर एनी इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरफेयर्स। तो इसके पीछे, अभी हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो हमने कोल्ड, हमारे जो मिलिट्री चीफ है, उन्होंने कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन की बात की थी। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन में क्या होता है कि आप जो अपने मिलिट्री ट्रूप्स हैं जो POK वाले एरिया में हैं, उनको फटाफट से एक लिमिटेड अटैक पाकिस्तान के ऊपर करने की बात होती है, ठीक है। और लिमिटेड सी उनकी जो टेरिटरी है उसको ऑक्यूपाई करने की बात होती है, ठीक है। लिमिटेड लेवल पे अटैक होगा, काफ़ी फास्ट अटैक होगा, ऐसा नहीं होगा कि हम पाकिस्तान के साथ फुल फ्लेज्ड वॉर कर देंगे। एक लिमिटेड सा अटैक रखा जाएगा और उनकी टेरिटरी जो है ऑक्यूपाई कर ली जाएगी थोड़ी सी, और उस ऑक्यूपाइड टेरिटरी को एज अ बार्गेन यूज़ किया जाएगा कि भैया हम आपको, अगर आपकी ये टेरिटरी वापस चाहिए तो उसके लिए यही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कैंप लगा के बैठे हैं, इसके ऊपर एक्शन लो, अगर एक्शन ले लोगे तो हम आपको आपकी टेरिटरी जो है वो वापस कर देंगे। तो मेनली इसमें ये फंडा था इसका। ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को यूज़ करने का जो मेन रीज़न ये है कि फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए, लिमिटेड सा अटैक रहेगा, ठीक है। इससे पहले इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ अपना प्रेशर बिल्ड करना शुरू करें कि भाई पीस करो, पीस करो, पीस करो, उससे पहले ही हम फटाफट से अटैक कर देंगे और फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं होगा, ताकि न्यूक्लियर एस्केलेशन ना हो सके, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। अगर हम फुल फ्लेज्ड वॉर वेज करते हैं तो वो अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ कर सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक डेंजरस चीज़ हो जाएगी। तो लिमिटेड अटैक रहेगा। ये इसका जो बैकग्राउंड है कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का, ये हम ट्रेस कर सकते हैं 2001 पार्लियामेंट पे, जब हमारे अटैक हुआ था। तो जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो इंडिया ने डिसाइड किया कि चलो हम थोड़ा सा अब पाकिस्तान की तरफ स्टिक होते हैं, और इंडिया काफ़ी तैयार हो गया था पाकिस्तान के ऊपर जंग करने के लिए। तो जब तक हमने अपने ट्रूप्स वगैरह मोबिलाइज़ किए और उन्हें बॉर्डर एरिया में भेजा, तब तक हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड हो गया था कि नहीं, पीस करो, पीस करो, पीस करो। तो इसीलिए ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जो है इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन साइंड इन पलेरमो इन 2000, ऑल्सो नोन एज पलेरमो कन्वेंशन, इज रिलेटेड टू। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये पलेरमो है, ये एक सिटी है आपकी इटली में, ठीक है। तो
तो पलेर्मो में एक कन्वेंशन साइन किया गया था 2000 में, वो किससे रिलेटेड है? अपने पास जो ऑप्शंस है वो है ए ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बी डेजर्टिफिकेशन, सी क्लाइमेट चेंज, डी नन ऑफ द अबव। तो जो आपकी ये पलेर्मो कन्वेंशन है ये रिलेटेड है आपकी ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से, ठीक है। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में सब कुछ आ जाता है, जो आपकी वुमेन ट्रैफिकिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ठीक है, इंटरनेशनली आपकी वुमेन ट्रैफिकिंग होती है, साउथ एशिया से वुमेन को ट्रैफिक करके साउथ ईस्ट एशिया में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में लेकर जाया जाता है, ठीक है। आपके जो ऑर्गन्स हैं ऑर्गन्स को ट्रेड किया जाता है, ठीक है, ह्यूमंस में। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज कन्वेंशन में पलेर्मो कन्वेंशन के अंडर कवर उनको किया गया था। नाइन्थ देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट उजावला प्रोग्राम, ठीक है। नंबर वन, इट इज अ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नंबर टू, इट इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग फ्री एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल वुमेन। ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ, डी नन। तो अगर आपने इस स्कीम को पढ़ाया, ठीक है, उजावला प्रोग्राम, आप पहली बात तो इसको एक्साइटमेंट में आके उज्ज्वला प्रोग्राम पढ़ेंगे, ठीक है, उज्ज्वला प्रोग्राम पढ़ेंगे और आप फिर नीचे की दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और आप एक्साइट हो जाएंगे कि आपको आंसर आता है और आप इसका आंसर सी बोथ करके आगे बढ़ जाएंगे और जब देखेंगे कि हाँ हाँ मेरे तो दो नंबर पक्के हो गए। और आपके दो नंबर पक्के नहीं होंगे, आपके वो दो नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे, आपका 0.67 और लेस हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी क्योंकि आपने गलत तरीके से पढ़ा है, आपने कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं पढ़ा, ठीक है। ये उज्ज्वला प्रोग्राम नहीं है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया उजावला प्रोग्राम, ठीक है। अगर यहाँ पे उज्ज्वला प्रोग्राम होता तो इसका आंसर हो जाता सी बोथ, ठीक है, लेकिन ये उजावला प्रोग्राम है और आपको अब उजावला प्रोग्राम के बारे में नहीं पता तो आप इसको गलत कर दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं सोचना कि यूपीएससी ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होगी या बस उज देख लिया या उज्ज्वला साउंडिंग सा देख लिया और उसमें एक्साइट होकर उसको ध्यान से नहीं पढ़ा और आंसर कर दिया। तो जो आपका ये उजावला प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर नहीं है, पहली बात। ये जो आपका प्रोग्राम आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, इट इज़ रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग फ्री एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल वुमेन, ये भी आपका गलत है। जो इस उजावला प्रोग्राम का जो काम है वो है टू प्रोवाइड हेल्प टू वुमेन अंडर स्ट्रेस। अब वो वुमेन अंडर स्ट्रेस किस वजह से हो सकता है? वुमेन अंडर स्ट्रेस बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, ठीक है। कोई रेप विक्टिम है जिसको उसकी फैमिली ने अबंडन कर दिया है, ठीक है। कोई विडो है जिसको उनकी फैमिली ने अबंडन कर दिया है। कोई वुमेन है जो ट्रैफिक्ड वुमेन है, ठीक है, उनको कोई क्लेम नहीं कर रहा है। तो ऐसी सब औरतों को जो है ये स्कीम जो है हेल्प प्रोवाइड करेगी, ठीक है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग में मेनली इसका जो है वो काम रहेगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी नन। टेंथ, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्वाधार स्कीम? ए, इट इज स्कीम टू हेल्प वुमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। बी, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड बैंक अकाउंट्स टू बीपीएल वुमेन। सी, द स्कीम एम्स टू कर्ब लीकेजेस इन सब्सिडी ट्रांसफर थ्रू डीबीटी। डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है आपका अगेन ये एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर एक स्कीम है और इसका काम भी यही है कि ये जो वुमेन है जो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेज में है, विडो, ट्रैफिक वुमेन, ठीक है, उनकी जो है हेल्प करेगी, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करेगी, उनको वर्क प्रोवाइड करने का जो है वो काम करेगी।